आज है मीडी मंडे और इस मीडी मंडे हम मना रहे हैं ईद स्पेशल। और क्या बना रहे हैं ईद स्पेशल पे? चपली कबाब। ओरिजिन हैपेंड इन अफगानिस्तान, पर घर बस गया इसका पेशावर में, एंड इट बिकेम, इट फाउंड इट्स फेम एंड फाउंड इट्स ऑडियंस इन पेशावर। दैट्स व्हाई सम पीपल आल्सो कॉल इट पेशावरी कबाब। पर चपली कबाब नाम क्यों है? क्योंकि चपटे हुए होते हैं। चपली का जो मीनिंग है वो है फ्लैट, एकदम फ्लैट चपटे हुए बनेंगे हमारे चपली कबाब। अब आप एक पैन में एक बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन का डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का डालेंगे, तीन सूखी लाल मिर्च डालेंगे, दो बड़े चम्मच अखा धनिया कोरिएंडर सीड्स। इसको अब आप धीमी आंच पे दो मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक कलर नहीं बदल जाता धनिया का और जीरा का। अब इसमें आप डाल देंगे अनारदाना एक बड़ा चम्मच और इसको बस 60 सेकंड्स के लिए और रोस्ट करेंगे। अब एक छोटी मिक्सी में आप सारे मसाले निकाल लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पिस गया है और दिखाता हूँ आपको कि ये स्टिल कोट, अगर आप देखेंगे दाने इसमें दिख रहे हैं हमें। मैं मटन की कीमे से बना रहा हूँ आज। अगर आप आधा किलो कीमा ले रहे हैं उसमें 30% फैट होना चाहिए, चर्बी होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होएगा आपके जो कबाब हैं एक तो सॉफ्ट रहेंगे एंड द सेम टाइम द कबाब विल कुक इन इट्स ओन फैट। अब आप इसमें जो हमने चपली कबाब का मसाला बनाया है उसके दो बड़े चम्मच डालेंगे, डेढ़ टी स्पून नमक। इसको अच्छे तरीके से मसाज करेंगे ताकि सारे मसाले कीमे में मिल जाए। तीन मीडियम प्याज फाइनली चॉप डाल देंगे, ग्रीन चिली के दो चम्मच डाल देंगे, एक टमाटर, दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, फ्रेशली चॉप कोरिएंडर। अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर को मिक्स करें। आप इसमें चार चम्मच आटे की डालेंगे। अब आप इसमें एक अंडा फिटा हुआ डाल देंगे, इसको मिला ले ढंग से। अब फ्रिज में डाल देंगे 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए। इसको चपटा करें, पतला करें, एंड फॉर दैट यू कैन यूज अ सिल्वर फॉयल और अ बटर पेपर, उस पे आप लाइन अप कर लें बहुत सारे चपली वन बाय वन। अब आप एक ऐसा बड़ा गोला बनाएं ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स का, एंड यू टेक इट टू द फॉयल एंड इसको अब आप चपली करेंगे, फ्लैट करेंगे। जो कबाब का नाम है चपली कबाब वो इसी एक्शन से आता है, फ्लैट राउंड। 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रेस्ट करें। अब फ्रिज में से 30 मिनट बाद जब आप बाहर निकालेंगे इसको सीधा पलट दें गर्मा गर्म पैन में। पैन में आप एक चम्मच बड़ा चम्मच तेल लें, इसको अच्छे तरीके से गर्म करें। तो अब आप फ्रिज में से निकाल के चेक करें, ठंडा हो जाएगा तो इट टेंड टू कम आउट ईजिली फ्रॉम द फॉयल। के देखिए चिपका नहीं है, परफेक्ट, वेरी नाइस, वाह। लीजिए हमारी चपली तैयार है। आई होप यू enjoyed दिस अमेजिंग रेसिपी। आप सबको ईद मुबारक, घर पे बनाएं चपली कबाब एंड इट इज मेल्ट इन योर माउथ। और वो अनारदाना और खड़े धनिया का जो स्वाद है ना, मैशिंग।